कुछ जो लोग बैठना चाहते हो बैठ भी जा सकते हैं अभी. पहली बात है कि थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैंपस छोड़ने के बाद पहली बार आज फिर से कैंपस में बोल रहे हैं और सेडिशन पे ही बोल रहे हैं, और आखिरी बार भी सेडिशन पे ही बोले थे. दूसरा है कि भाषण नहीं देंगे, मुझे लगता है कि रात का टाइम है और एक बातचीत वाला ही माहौल है, चाय है, गोल हम बैठे हैं, खड़े हैं, तो इसको उस तरीके से भाषण नहीं देते हैं. कुछ चीज़ों को लेकर बात करना चाहेंगे. कुछ चीज़ें दोपहर से हम सोच रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर विषयों पे अगर आपस में ही हम बातचीत करें तो वो बेहतर रहेगा. पहली बात है कि कल जो घटना घटी, शर्जील का अरेस्ट, शर्जील के ऊपर सेडिशन लगना, शर्जील को जेल में ले जाना और तमाम सारे चीजें उसके बाद से जो हो रही हैं, कल फिर से जिस तरीके से उनके ऊपर अभी जो चार्जशीट दायर की जा रही है जामिया वाला वायलेंस को लेकर, एक चीज है कि इन लोगों के पास एक नैरेटिव है, वो एक स्टोरी बनाना चाहते हैं जिसमें शर्जील विलेन है. अब इस चीज पे कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से जामिया में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो वीडियो लीक हुआ और तमाम सारे इस तरीके के मतलब वो काफी वायरल हुई, इस चीज को लेकर काफी बहस हुई. एक लेवल पे वो लोग बैकफुट पे भी थे क्योंकि वो बरबरा था, साफ दिख रहा था. अब इस नैरेटिव को फिर से इन लोगों को चेंज करना था. और एक तो ट्राइड एंड टेस्टेड जो स्ट्रेटेजी है, किसी भी नैरेटिव को अगर चेंज करना है तो एक मुसलमान स्टूडेंट जो जेएनयू से हो, उसका शक्ल दिखाओ, ऐसे ऐसे सर्कल बनाओ लाल लाल, कुछ कुछ चुनिंदा चैनल्स पे उसको घुमाओ और नैरेटिव चेंज हो जाएगा. बात यह है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि एक चीज जो ऑलरेडी आप एक इंसान को फ्रेम किए हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद चीजों पे, जो सेडिशन, उस पर हम बाद में आएंगे क्योंकि सेडिशन पे ही बात करनी है. लेकिन कल वाला जो घटना है कि एक इंसान जो जेल में है, अचानक एक वीडियो वायरल होता है जो पुलिस को एक खास तरीके से दिखाता है, यानी जो सच्चाई है वही दिखाता है, उनका बर्बरता साफ सबको दिखता है, और फिर आप जेल से शर्जील को अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर इसका भी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जामिया का वायलेंस भी उसी ने इंस्टिगेट किया था. ये कोई मतलब फिर वही चीज है कि एक ड्रामेटिक म्यूजिक होगा, ब्रेकिंग न्यूज, शर्जील बिहाइंड वायलेंस, सर्कल करके घुमाया जाएगा और मास्टरमाइंड बोला जाएगा, और वो एक घिसा पिठा जो नैरेटिव है उसके चलते आप इसको फिर से एक अपना नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश करेंगे. रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इतनी इतनी लेवल तक लोगों की जो थिंकिंग फैकल्टी है, इस देश की मेजॉरिटी जो है उसका थिंकिंग फैकल्टी को इतना कुंद कर दिया गया है कि उनको पता है कि इस तरीके से कर देने से लोग समझ जाएंगे कि यही है, ये ऐसा ही होगा, हुआ होगा. तो इस चीज को डिकोड करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन यही इस देश का हकीकत आज यही है कि इस देश का मेजॉरिटी सोचना बंद कर दिए हैं, तो इसीलिए ये चल जा रहा है. खैर, अभी जनरली आज जो बात हमको करना है वो सेडिशन पे करना है. कुछ चीजों को इतिहास में, इतिहास का स्टूडेंट है तो हम मतलब अभी हैबिट हो गया है कि चीजों को पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर अभी के साथ कनेक्ट करते हुए चीजों को थोड़ा सोचने का कोशिश करेंगे. एक चीज है कि इसीलिए टॉपिक भी यही है तो उसी के आसपास अगर बात रखें तो एक चीज आता है कि सेडिशन की जब बात की जाती है, यानी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, हम देखते हैं कि एक चीज इमीडिएटली आता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. अब दो लोगों की बात करते हैं और इस पे हम फिर से वापस आएंगे, अनुराग ठाकुर और शर्जील इमाम, मतलब गोली मारो सालों के वाला बंदा और शर्जील इमाम.
हम ये बोलते वक्त काफी बार ये मतलब जनरल जब हम लिखते हैं बोलते हैं, हम पहले भी ये बोले, मतलब हम ऐसे बोल जाते हैं कि देखो इस देश में अनुराग ठाकुर गोली मारो सालो को बोलने के बाद भी कुछ नहीं होता, लेकिन शर्जील इमाम को जेल में बंद कर दिया गया है। बोलने के लिए बोल सकते हैं, एक कॉमन प्लेस लॉजिक किसी को काउंटर करने के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम आपस में ये समझ लें कि ये गलत कंपैरिजन है। अनुराग ठाकुर और शर्जील इमाम सेम नहीं है, ये कंपेरेबल कैटेगरीज ही नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। वो जो मर्जी बोल सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। इसीलिए मतलब ये बार बार बोलना जरूरी है कि इस देश में एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। वो जो मर्जी बोल सकते हैं, मुसलमान महिलाओं को ग्रेप से उठा के रेप करो भी बोल सकते हैं, गोली मारो सालों को भी बोल सकते हैं, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन शर्जील इमाम के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रेस्ट्रिक्शन है। तो इसमें फर्क है इन दोनों में, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम ये इस तरीके की चीजें बोले, ये हम कहीं इंटरनलाइज ना कर लें कि ये दोनों सेम है, क्योंकि एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दूसरे का बिल्कुल नहीं है। एक के ऊपर मतलब अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से, एक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो जो मर्जी बोल सकता है। अब इस चीज को अब थोड़ा और आगे बढ़ाएं और थोड़ा और इंटरोगेट करें कि ये है क्या चीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। सेडिशन का बात जब शुरू हुई तब पहली तो बात हम करते हैं अगर रीजन की, हम स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, हम सोशल साइंस के भी अगर स्टूडेंट जो लोग रहे हैं, हमको पता है कि रीजन, एक एज ऑफ रीजन आया था, उसपे कई सारी चीजें उस समय पे उसके बारे में बात हुई थी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तमाम सारे जो अभी कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज जो बोलते हैं हम, वो एक समय पे उभरा था 19th century में, इस चीज का वो हुआ था, उभार हुआ था, जिसको हम तर्क यानी लॉजिक या रीजन बोलते हैं, कि अभी हम तर्क से बात करेंगे, रीजन से बात करेंगे। लेकिन ये होने के साथ साथ, यानी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तमाम सारी चीजों के साथ साथ, लगभग उसके बिल्कुल पीछे पीछे पैदल चलते हुए आया था रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी रीजन तर्क सब ठीक है, लेकिन लिमिट में करो। अब ये लिमिट वाली बात तभी से शुरू हो गई थी, और जब इस देश का संविधान भी लिखा जा रहा था, अभी हम जितने भी राइट्स की बात करते हैं कहीं कहीं संविधान का रेफरेंस तो आ ही जाता है। तो जब संविधान सभा में भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस चीज को लेकर डिबेट हुआ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर है तो लिमिट्स क्या होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, अब ये काफी देर तक इसके बारे में बहस होती रही उस समय पे। अभी 70 साल पहले की बात है, अभी फिर से 70 साल बाद जंप करेंगे, लेकिन उस समय पे इस चीज को लेकर जब बात हो रही थी, तब ये चीज बोला गया था कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो रहे, इसके बारे में लगभग सहमति थी पूरे मतलब सब में, राइट से लेकर लेफ्ट तक सबका सहमति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहे, लेकिन इस पे भी सहमति थी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी रहे। लेकिन अब बात यह है कि इस पे लग सकता है, एक लेवल तक हमको भी लग सकते हैं तो रीजनेबल है, क्योंकि योगी जैसे लोगों को, मोदी जैसे लोगों को ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको जो मर्जी बोलने का हक रहे, माइनॉरिटी के राइट्स को बचाने के लिए भी मेजॉरिटी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते हुए इंस्टिगेट कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं। हम लोगों को भी लग सकता है एक रीजनेबल, हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन तो रहनी चाहिए। ये चीज उस समय पे भी कुछ लोग बोले कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये जरूरी है कि थोड़ा बहुत इसको लोगों को एक दायरे में रहे। लेकिन कुछ लोगों ने तभी से ये सवाल उठाया था कि ये दायरा तय कौन करेगा। अब अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, इसका कहां गारंटी है कि इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं की जाएगी, कि जो लोग सरकार के खिलाफ पावर के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ये यूज की जाएगी और पावर के साथ जो है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, तभी से बात हो रही है। अब उसमें से एक थे, एक सोशलिस्ट थे बिहार से, केटी शाह, पुराने टाइम के सोशलिस्ट थे, अब उनके कई सारे विचार थे, इनफैक्ट एक्चुअली 47-48 में पहली बार वो बोले थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म रहना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके 20-30 साल बाद फाइनली ये दो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, लेकिन वो बोले थे कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड तभी से रहना चाहिए, लेकिन वो हार गए, वो नहीं कर पाए, एटलीस्ट 47 में तो नहीं कर पाए 48 तक। दूसरा एक चीज भी उन्होंने कहा था कि तमाम सारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है,
जितने सारे चाहे वो कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तमाम सारे जगहों को लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए डायरेक्ट रेफरेंडम की जाए, अगर वो की गई होती तो आज माहौल अलग होता, लेकिन वो भी नहीं माना गया। उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट रेफरेंडम से ये चीजें तय की जाए, ना कि किसी के ऊपर कोई चीज थोपा जाए, लेकिन वो भी नहीं सुना गया। इन्होंने एक चीज कही थी कि पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के नाम पे ये जब रिस्ट्रिक्शंस हम डालते हैं तब हमको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पब्लिक मोरालिटी कीप्स चेंजिंग विद टाइम, न्यू थॉट्स कम, न्यू मूवमेंट्स कम, सोसाइटी थिंग्स थ्रोज अप न्यूअर क्वेश्चंस, यंग माइंड्स थ्रो अप न्यूअर क्वेश्चंस, एंड दिस पब्लिक मोरालिटी चेंजेस व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, व्हाट वाज कॉमन प्लेस, व्हाट वाज डोमिनेंट, इट गेट्स चैलेंज्ड एंड दिस मोरालिटी चेंजेस। सो ही सेड दैट कि इन द नेम ऑफ पब्लिक मोरालिटी इफ वी पुट रेस्ट्रिक्शंस देन इट विल बी मिसयूज्ड बिकॉज मोरालिटी विल चेंज बट दोज इन पावर विल कीप यूजिंग इट अगेंस्ट दोज हु आर questioning status quo. What is happening? Every voice from 47 till now on whom sedition has been put, it is beyond doubt that on all of them, the simple crime that they had was the challenging status quo. And that is the silsila that is still going on. Ab us pe ek aur shakhs bhi the, Somnath Lahiri, CPI ke the, purane CPI ke, aur वो भी ये चीज बोले थे कि आखिर ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है उनके ऊपर कुछ नहीं की जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैंने बात रखा तो फिर मेरे ऊपर सेडिशन डाल दिया जाएगा, और इसीलिए वो सरासर इस चीज के खिलाफ थे कि वो सेडिशन रहे ही नहीं, इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मतलब उस टाइम के जो कांग्रेस के अंदर जो राइट जब जो राइट एक्सट्रीम राइट एलिमेंट्स नाम लेके भी बोल सकते हैं, चाहे वो पटेल हो या राजा गोपालाचारी हो, ये जो सारे बेसिकली बीजेपी के ऑफशूट्स जो कांग्रेस में थे, अब उसमें वो खुद ये नाम लेके बोलते हैं कि कल को अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोला तो फिर राजा गोपालाचारी जी जो है यहाँ पे बैठे वो हमको बोलेंगे कि ये तो सेडिशन है, इसको अंदर कर दो। और जिस लेवल तक हम इस लॉ को रख रहे हैं इस देश के संविधान में, वहां पे अगर पटेल चाहे तो हमको अंदर कर सकते हैं कि अगर उनको लगे मैं सेडिशन कुछ बोल सकता हूं। ये जो प्रावधान हम रखे हैं इस लेवल तक कि किसी को लगता है कि मैं शायद कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल सकता हूं इसीलिए मैं सेडिशस हूं, इस लेवल तक अगर हम सेडिशन को रखें तो फिर ये देश के जमहूरियत के लिए खतरा होगा, और हर टाइम पे पावर विल ऑलवेज यूज दिस अगेंस्ट द पावरलेस, पावर विल ऑलवेज यूज दिस अगेंस्ट दोज हु आर क्वेश्चनिंग पावर। बट ऑफकोर्स नन ऑफ दीज थिंग्स were heeded to, and the ruling classes kept all these arms in their pocket ki jab zarurat padegi tab nikal ke use karenge, aur wahi silsila aaj abhi tak chal raha hai. Iske bawajood kai sare supreme court ke verdicts aaye din is tarike ki cheeze boli gayi ki nahi isko thoda to kuch define karna padega, to thoda bandhna padega nahi to thoda lapetna padega nahi to iska misuse ho raha hai, to ek jagah pe at least itna bola कि नहीं ठीक है अगर इंसाइट कर रहा है कोई कोट अनकोट और उस इंसाइटमेंट के चलते इमिनेंट वायलेंस हो रहा है तो फिर इसको सेडिशन माना जाएगा, नहीं तो बार बार इसको यूज नहीं कर सकते, किसी भी मौके पे इसको पॉकेट से नहीं निकाल सकते हैं। इंसाइटमेंट दैट लीड्स टू इमिनेंट वायलेंस, दैट लीड्स टू नॉट दैट कैन लीड टू, इंसाइटमेंट दैट लीड्स टू इमिनेंट वायलेंस दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेडिशन। अब यहां पे फिर से हम अनुराग ठाकुर और शर्जील पे वापस आते हैं और फिर से उस पे वापस आते हैं कि क्यों ये दोनों एग्जाम्पल हम साथ में नहीं लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर जब गोली मारो सालों को बोला उसके बाद जामिया और शाहीनबाग में चार गोली चली, सरेआम आके वहां पे गोली चलाई गई, स्टूडेंट के ऊपर गोली लगी भी, और एक बार रात को एक बार दिन को एक बार बंदूक लेके अंदर आया इसमें जामिया में उसमें, दिस इज अ डायरेक्ट केस ऑफ इंसाइटमेंट लीडिंग टू इमिनेंट वायलेंस जो हुआ है, बट
there is no sedition on him. There is no restrictions on his, reasonable restrictions on his free speech. But somebody else, like Sharjeel, who puts his opinion, who puts out his thought. Yes, he talked about that, whatever, the sting that they made such a big thing about the first one and the latter one. He talked about a chakka jam. And there is a sedition on him. This difference, hence we should be careful when we take these names. And I was just hearing, Amir was telling that ki, there is a comparison even being made with that guy who came and shot in Jamia. What was his name? Gopal. Haan. So, is tarike ke comparison se bachna chahiye, kyunki ek ke paas power hai, media hai, police hai, army hai, sab kuch hai. Aur ek ke paas kuch ideas hai. Ye, in dono mein aap comparison nahi kar sakte hai. And putting them in the same category is criminal. Everybody, a student, an university student, has a right to put out his or her thoughts, leading to nothing, leading not to any imminent danger. So, this is why it gets important that we keep these things in mind. But, yahan se agar aage badhe, to फिर से एक चीज आ जाता है आई मीन और भी कुछ कुछ चीजें बोली गई हैं जैसे फॉर इंस्टेंस एट वन पॉइंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड दैट कि इट इज द राइट्स दैट आर फंडामेंटल नॉट द लिमिटेशंस बट सुप्रीम कोर्ट अभी इस देश में ऐसा एक चीज हो अभी नहीं एटलीस्ट इतने मतलब बीते दशकों से ऐसा एक चीज हो गया है कि उसमें से एक अच्छा जजमेंट आता है तो मतलब हम लोग खुश हो जाते हैं अच्छा जजमेंट आया वो जजमेंट साइड में रख के उस पर फूल माला डाल के उस पर धूल पड़ता रहता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी खैर वो भी शायद शिफ्ट हो रहा है विद ऑल इंस्टीट्यूशंस कमिंग अंडर अटैक सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो पासिंग वी आर सीइंग द काइंड ऑफ जजमेंट दैट इट इज पासिंग ऑफ लेट बट एक और चीज जिसको लेकर मतलब वंस अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड इफ वी इंटरोगेट दैट टर्म वंस अगेन देयर इज दिस जर्मन साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड एरिक फ्रॉम He had said that ki actually when we talk about reasonable restrictions, then this reasonable has nothing to do with reason. It has everything to do with consensus. So, yahan pe reason ka matlab tark nahi hai. Yahan pe reason ka matlab hai aam sahamati kya hai. Is aam sahamati ka alag alag words hai is desh mein. Quotes bhi use kiye hai. Kya hai ye aam sahamati? Consensus is one word. Collective conscience is another word. तो यानी डोमिनेंट कॉमन सेंस इज अनदर वर्ड यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो रीजन है उस मतलब रीजनेबल है उसके साथ रीजन का कोई संपर्क नहीं है वो पूरा पूरी उसका संपर्क है कि कंसेंसस क्या है यानी अगर देश के मेजॉरिटी को लगता है उनमें कंसेंसस है कि ये सेडिशन है तो वो सेडिशस है अब यही बात है कि पिछले 70 सालों से देर इज A consensus that the RSS has built around this Muslim enemy. The hate, the bigotry, that is what the RSS has built over the last 70 years. It is sad, it is unfortunate, it is, I mean, criminal that they were more committed about their game of spreading hate than the so-called seculars were committed in their own project of secularism. So these compromises over the period of time, these silences over the period of time, this majoritarian compromises over the period of time has led to a situation jahan pe ye consensus gehra hota gaya aur aaj wo consensus is level tak hai ki majority ab sochta nahi hai. Wahi cheez hai ki agar ek musliman student jo JNU se hai, usko gol sir, uske गोल गोल सर्कल करके टीवी में दिखा दो तो डिबेट वहीं पे सेटल हो जाती है दिस इज समथिंग दैट इज स्कैरी दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्पोकन अगेंस्ट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड एंड आई एम हैप्पी दैट एट दिस मोमेंट एट नाइट ऑफ नाइट अभी भी सर्दी है दीज मेनी पीपल एटलीस्ट आर हियर टू थिंक एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स दैट कि वी हैव द राइट टू स्पीक एंड वी हैव टू With right comes responsibility and it is our responsibility to defend anyone's right
to speak and express his or her opinion. अब दूसरा एक चीज है कि when we speak about these rights, these constitutional values, one thing that we said that कि वही बात है कि एक betrayal के बाद betrayal, people who were supposed to, at least who were the self-proclaimed guardians of secular values have compromised over the period of time. There are certain reasons behind that too, and something that Ambedkar had said right after the constitution was adopted, something that was his promise to the country. He was always skeptical about it right from there on, right? Like, it is him who had said that ki democracy at the end of the day is a top dressing on this society which is inherently unequal. अब जब आप टॉप ड्रेसिंग बोल रहे हैं, he also what does it mean? Which means that ki it वो किताब में है, but समाज और इस किताब में जमीन आसमान का फर्क है. What he also said is that ki we keep talking about, he talked a lot about constitutional morality, and he goes on about this from 47 till the end of 48 till its adoption, and he repeatedly says that ki this constitution will mean nothing unless the people of this country have some kind of learn the thing of constitutional morality. But he said that ki constitutional morality does not descend from heaven. एक किताब में लिख देने से वो अचानक सबके ऊपर गिरेगा नहीं आसमान से, वो सीखना पड़ेगा. एंड ही वॉज वेरी स्केप्टिकल दैट द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, द लेजिस्लेटर्स, ही डिड नॉट वॉन्ट, ही हैड नो कॉन्फिडेंस दैट कि वो इस मॉरलिटी में मतलब फंक्शन करेंगे. नाउ इट इज एविडेंट टूडे वेन द मोमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, it is evident that we 70 years came and went by, but this country did not learn a zilch of constitutional morality. Reasons being deep casteism and deep communalism, which continued like unabated under any rule that this government has seen, remained unchallenged, aur iske chalte nothing really changed, and democracy remained a top dressing. Ab one thing, however, is, I mean, there is a significance of the time today. There is a significance of the time when we are here, when Sharjeel is in jail, when the students in a school in Bidar are being interrogated in police thanas, when Shaheenbag women are fighting, and there are hundreds of Shaheenbags across the country. There is a thing that we must recognize that it is a historical moment when actually we are learning many of these things that remained unlearned. And I think it is important to recognize that which Ambedkar himself said, that ki kitab mein likh dene se log apne rights ke bare mein seekh nahi jate hain, because at the end of the day we know that ki constitution can remain a good book, but society will learn about those things only if it struggles for it, because rights can never be given, rights have to be taken. Rights can never be, rights are never bestowed upon oneself. Rights are earned, and rights are earned only in struggle, and it is only in struggle that we learn what these rights are. So ek tarike se agar hum dekhe, one biggest takeaway, many people will say that ki ha kya fayda ho raha hai, Shaheenbagh hai, ईदगाह है, देश के तमाम सारे हौजरानी है, तमाम सारे जगह पे लोग बैठे हुए हैं, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, सीए वापस नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा. बट द पॉइंट इज दैट की द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग इज दैट की पीपल इन स्ट्रगल ऑलवेज आर मोर कॉन्शियस, दे आर लर्निंग, दे आर अर्निंग देयर राइट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन से दिस, आई मीन considering right now I also stay in Jamia, I can tell one thing very confidently over here, logo ko jo bhi lage, that abhi when if any of you go and sit in any tea stall in Jamia and listen to conversations of the Muslim youth, they are more aware, they are more critical, they are more conscious, and any day at any one point of time they can win any debate with any person, a sample from a majoritarian who's from the majority whose
mind has been blunted with hour after hour of Sudhir Chaudhary and Arnapraswamy. So that is a big takeaway from this, that there are certain things, there are certain rights that we are earning in our struggles, and that is, there is a significance to that. Now, that is if we understand the significance of this time. Agar hum is samay ka ahmiyat samajhte hain, is waqt ki nazakat samajhte hain, to phir ek zimmedari hamare upar aati hai ki we extend solidarity with each other. And there I would say that ki it is such a momentous time that it would be rather unfortunate that ki even in this time if we fail to extend solidarity to each other. Abhi in this campus itself has been in the eye of the storms in the last 7 years. It has faced the most brutal attack on the very idea of the university, and JNU has been at the eye of the storm since some time, since this regime came. I would say it is rather unfortunate that even after these 5, 6, 7 years of fighting against this regime, we still haven't learned to extend solidarity despite differences, and we still haven't learned to accept solidarity with differences. And that is something that we should think about, because I found it extremely unfortunate that the call, and over here the body that is most accountable amongst the students is the Students' Union, and I would say it was rather unfortunate that the last day a call that was given by the union was withdrawn half an hour before. That is not something that is how that solidarity works, and this campus should have learned better. Having said that, if we extend this ab thoda aur agar hum is cheez ke bare mein bole to ek tarike se hum bar bar is cheez ko bol rahe hain ki this is a significant time is because is zaat again as a student of history there is a strange way even we perceive present, and that becomes very overburdening at points, but it is true that ki what I am seeing today, what any student of history will see today, will always get this sense that ki right now we are living in a time that is going to be in the textbooks 100 years later. People will talk about the women of Shaheen Bagh. The histories will be written about. They are creating history. They are creating history in every such site where the women are taking the lead, where they are fighting for their rights, where they are fighting not just for their rights but for the rights of every person, every citizen of this country. And that is why it is a momentous time, because a lot will depend as to how this battle will conclude. Effectively speaking, CAA, NRC, NPR, whatever it is, whatever name we may give to it, but effectively speaking, the people are fighting a very, very old battle of determining who this country belongs to. Does it belong to one community or does it belong to everybody? Now, in that, if that is the, I mean, ultimately it boils down to that. It's a debate that happened even in 47-48. There were people, the forefathers of these RSS and BJP, who argued even then ki ye desh mein citizenship ka jo definition hai usme Hindus, Sikhs, Bauds, Jains ye rahe, Musalman na rahe, any kind of Semitic religion, Christianity, Christians na rahe, ye tabhi se chal raha hai. This debate between blood and soil, ki will the citizenship of these countries will be determined by blood, which is to say by race, which is to say by religion, or will it be determined by birth, ki hum yahan pe paida hue hain, ye hamari desh hai. This battle is been going on, as I said, that ki with whatever compromises that had been made, and compromises were made in 47-48 right then. Nehru made compromises, others made compromises. Compromises ke bawajood, to a certain extent, we had won this battle that time, that no, this country will belong to everybody. At least on paper. At least in essence. Whereas there were people who were like very much ready to have it on paper that this country belongs to Hindus. But
But problem is that since then, 60s, 70s, 84, 2002, Bathanitola, Khairlanji, compromises after compromises, failures after failures, we have reached a situation where we could not stand up to the responsibilities that were on us. The democratic forces, the secular forces failed, and we have reached a situation when the RSS is kind of achieving, at the verge of achieving what they wanted to seek 70 years back, that this will be a Hindu Rashtra, and that is the significance of the battle today. And battle lines ought to be like drawn according to that. Now if that olden battle that is being fought, we won the battle then somewhat, the war is going on, today it is going to be decided in the streets, today it is going to be decided by the women who are fighting in these protests, in these gatherings, and it is our responsibility that we stand with them. And while we do that, when we speak about rights, it is our responsibility to stand with every voice, every such voice that who is exercising their freedom of expression, because otherwise it will be a vacuous thing. Matlab ek vacuum mein nahi ho sakta hai ki hum selectively freedom of expression ki baat kare aur baaki jagah na kare. So these are things that we need to learn, these are things that we need to talk again and again, and that is why the significance to stand here at this point of time and say that we stand with Sharjeel Imam, we condemn his arrest, we reject this charge of sedition or whatever farce that is being put on him, and we will fight for his release till the time he comes out and gives his speech over here. Thank you. Inkalab Salaam.